हां जी, तो क्या हाल है आपके? मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फतेह के नए एपिसोड में। एंड इस बार वो वाली बात तो हो नहीं पा रही है कि मैं बच्चों के घर जा पाऊं, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हो गए, तो जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं का हम फतेह रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में हम स्वागत करते हैं मुकुल राणा का। क्या हाल है मुकुल? तो मुकुल रिकमेंड हुआ है अभी हमारे लेटेस्ट बैच से। आज तारीख है 31 जुलाई एंड इसका बैच था 3 जुलाई से लेके, है ना, 24 जुलाई, राइट। और यहीं से सीधा SSB गया था, एक दो दिन पहले बैच खत्म होने से एक दिन पहले गया था, यहीं से SSB गया था, रिकमेंड होके वापस अब यहीं पर आया, राइट। यस सर। तो कैसा, मतलब पहली बात तो लक कैसा रहा? सर बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से लाइफ चेंज हो गई कि भाई। तो इससे पहले क्या स्टेटस था, मतलब क्या इससे पहले SSB दिया था? यस सर, इससे पहले एक बार SSB दिया था एंड मैंने कोचिंग भी ली थी उसके लिए, बट वो थोड़ा उन्होंने बिगाड़ के भेज दिया था। तो उसके बाद उस टाइम रिजल्ट क्या था? स्क्रीन कॉन्फ्रेंस ऑफ था। अच्छा, कॉन्फ्रेंस ऑफ था, ओके। बट इस बार जब मैं यहाँ पे आया था तो एकदम से नए पर्सपेक्टिव के साथ सब कुछ किया था, एंड जैसे जैसे यहाँ पे बताया था सब कुछ सेम फॉलो किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करा कुछ भी। ओके, एंड हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट LWS? पहले से जानते थे क्या स्टेटस? एंड मेरे को LWS के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना मेरे को यूट्यूब से पता था, ना मुझे कुछ भी नहीं, मेरे को बस रेफरेंस के बारे से बताया किसी ने, एंड मैं यहाँ पे लैंड हो गया। तो इसके ताए जी हैं बेसिकली, सम हाउ ही गॉट कॉन्टेक्ट विद विकास सर, है फिर वहां से सीधा आया, एंड वाज द वन जिसको यहाँ पर, मतलब LWS के बारे में सच कुछ नहीं पता था, राइट। देन फिर वो 21 दिन कैसे बीते यहाँ के? सर बहुत ही बढ़िया। मैं द वेरी फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आया था, सो आपने जैसे कहा था ट्रस्ट प्रोसेस, सो आई जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्टेड टू प्रोसेस। एंड उसके बाद जैसे जैसे हमारा पहले दिन हमारा PPDT का सेशन हुआ, तो वहाँ पे हमें विकास सर ने बताया था हाउ टू एक्चुअली टेक पार्टिसिपेट। एंड उसके बाद इवेंचुअली जो यहाँ पे एनवायरमेंट था वो भी काफी सपोर्टिव था, एंड उनके साथ हमने काफी अच्छा प्रिपेयर किया एंड बहुत मजा आया, एंड इंटरव्यू के जो फीडबैक्स थे वो भी काफी हेल्प किया, एंड साइकोलॉजी में तो मतलब एकदम ही चेंज कर दिया पूरा थोड़ी भी। बुद्धि राजा सर की एक क्लास के बाद टोटली माइंड सेट चेंज हुआ, एंड उसके बाद से तो बस पॉजिटिव ही रहा, एंड बहुत ही अच्छा प्रिपेयर था उसके बाद। जैसे जो मुकुल का, हम हर बच्चे का ना एक ऐसे, मतलब अपने पास एक शीट मेंटेन करते हैं हर एक बच्चे का, उसको आप डोजे बोल लो कुछ भी बोल लो, पर्सनली हम हर बच्चे का मेंटेन करते हैं कि इस बच्चे के बारे में साइकोलॉजिस्ट का क्या कहना है, इंटरव्यू का कहना है, रिव्यू का कहना है। तो अभी तक के LWS के इतने बड़े इतिहास में ही इज द ओनली वन जिसको तीनों SSS ने बोला था कि ये लड़का रिकमेंड होना चाहिए। तो लेकिन हर बार क्या होता है, किसी ना किसी का होता है कि यार इसमें थोड़ी सी कमी है, बस ये इम्प्रूव कर लेगा तो हो जाएगा। इनफैक्ट पूरे बैच में बुद्धिराज सर ने किसी को बोला था कि ये एज पर साइकोलॉजिस्ट ही इज गुड और ही इज मुकुल। तो ये वाली बात तो थी, एक मतलब सबने बोला था कि हाँ मुकुल में है वो चीजें, हो सकता है। तो वही बात है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही गेन्ड कॉन्फिडेंस। एक और जो फीडबैक सारे लोगों ने, मतलब खासतौर से विकास सर ने जिसके बारे में दिया था, ये था कि ही इज वेरी सीरियस, मतलब सीरियस इन द सेंस की मतलब पहले दिन से जो बात बोल दी वो इसने फॉलो करी, ऐसा बोल दिया भाई तेरे GD में ये कमी हो रही है, दिस इज व्हाट यू शुड डू, ही स्टार्टेड, राइट। यस। एंड हाउ डिड यू जैसे प्रिपेयर योर दिस करंट अफेयर्स, ये सब कैसे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बिफोर कमिंग टू LWS मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग कुछ भी नहीं कर रहा था, एंड जैसे जैसे हमें यहाँ पे बताया कि तुम न्यूज़पेपर रीडिंग करो उसके तुम्हारे पास GD में हेल्प होगी, तो मैंने यहीं पे न्यूज़पेपर रीडिंग की, यहीं पे सारी न्यूज इकट्ठा की, एक डायरी मेंटेन की जिसमें प्रैक्टिस करता था, यहाँ के जो ऑलरेडी रिकमेंडेड जैसे उन्होंने बताया था मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया अपनी तरफ से, 1% अगर मैंने कुछ किया तो वो था उसको फॉलो करना, एंड उसने बहुत अच्छा डेवलप करवा दिया। ये है, मैं जो पहली जो बच्चा यहाँ पर आता है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ पहले दूसरे दिन में बच्चे से मिल लूँ, और इनसे मिला था मैं, और यही समझाता हूँ मैं कि 21 दिन आप कंप्लीट ये सोच लो कि जैसा हम बता रहे हैं ना बस वो सही है आपके फायदे के लिए, आप एक मतलब कंप्लीट एक्सेप्टेंस ले लो, जैसे एक्सेप्टेंस ले लोगे तो फिर आप ज्यादा दिमाग ना लगा के सिर्फ वो करोगे जो बोलेंगे, एंड मतलब देर इज समथिंग नोन एज कोचिंग। यहाँ पे हम कोचिंग में बच्चे कोच नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं तुझे करना क्या है, भाई ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, तुझे ये चीजें करनी चाहिए, बच्चा खुद ही अपने आप ही कर लेता है। यस।
ठीक है. अच्छा एक वैसे फैमिली बैकग्राउंड में इन जनरल जानना चाहता हूँ, हाउ कम दिस एनडीए? सर मेरे मम्मी और पापा दोनों सिविलियन बैकग्राउंड से हैं, सरकारी नौकरी करते थे एंड मेरे ताया जी और थे पहले आर्मी में बट वो फिर उसके बाद रिटायर हो गए. सो मेरे स्कूल में जो थे तो वहां पे मेरे एक सीनियर थे तो उन्होंने इंडिया निकाला था तो उसके बाद वो बहुत पॉपुलर हो गए, एकदम स्टार बन गए थे. अच्छा. उसके बाद से मैंने सोचा यार करना चाहिए, पेपर अच्छे हो रहे हैं, लोग पॉपुलर हो रहे हैं तो फिर मैंने इंडिया का एग्जाम दिया. उसके बाद से फिर थोड़ा और रिसर्च के तो पता लगा कि नहीं अच्छा है, अच्छी लाइफ है. ओके तो वहां से स्कूल से ओके देन यू रिसर्च अबाउट. यस सर. देखो सबके अपने अपने मोटिवेशन होते हैं, बिल्कुल के अलग टाइप से मोटिवेशन है, स्कूल में किसी बंदे से ही बट मोटिवेटेड. यही बात है यार कि आप जब जिस चीज के लिए मोटिवेट हो रहे हो उस टाइम पे उस चीज पे अच्छा काम कर लो. ही इज वेरी गुड इन स्टडीज एज वेल, बिकॉज जिसको अच्छा मतलब कॉलेज में मिल रहा है वहां से भी मतलब ठीक है इसका, तो मतलब ऑलवेज ही वाज सीरियस, ये वाली बातें तो है. अच्छा ये जो पर्सनैलिटी जैसे हम तो देखते हैं कि भी एसएसबी में मतलब इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो जो पर्सनैलिटी तुम्हारी मतलब यहीं पे डेवलप करी है, इससे पहले स्कूल में भी यू आर इन्वॉल्व इन समथिंग और समथिंग? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उसको दिखाना वो मैंने यहीं पे सीखा है. okay. क्योंकि बहुत से होते हैं उनके पास होते बट वो दिखा नहीं पाते हैं, तो मैंने यहाँ पे उसको सीखा भी और उसको दिखाने का भी सीखा कि एक्चुअल में उसको कैसे दिखाओ अगर आप क्या पेपर हो. तो उसको दिखाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट करता है. तो मैंने यहीं पे बहुत ही मतलब सुबह क्लास होती थी तो शाम को बैठ के हम कमरे में ये सोचते थे कि अब उस पर कैसे काम करें, तो उस पर हमने कमरे में बैठ के प्रैक्टिस करी एंड उसके बाद जैसे सर वगैरह तो जीडी जो करते थे वो अलग होती थी बट रात को हम जीडी और बाकी की सारी प्रिपरेशन इनफॉर्मल इंटरव्यूज एक दूसरे का वो सब हम अलग से करते थे. तो उसमें बहुत ही हेल्प किया टू इम्प्रूव फ्लुएंसी एटसेट्रा. और हम यहाँ पे रूल फॉलो करते थे टू स्पीक इन इंग्लिश, तो उसने फ्लुएंसी भी बहुत बढ़िया कर दी. ये होता है फिर इंग्लिश सीखने के दो तरीके, या तो स्टार्टिंग से बिल्कुल वही अपना ग्रामर वामर टेंस वेंस इन सबके साथ सीखो, वरना दूसरा होता है कि माहौल के साथ सीखो. तो माहौल के साथ सबसे बेस्ट और इजी वे है, आप सब आपस में इंग्लिश में बातचीत करोगे तो ऑटोमेटिकली चीजें इम्प्रूव होगी. अभी यहाँ पे एक रूल बनाते हैं और बच्चे फॉलो भी करते हैं, इनके ग्रुप में करा, इनका ग्रुप भी इनफैक्ट अच्छा था, इनके रूम में के बंदे अच्छे थे और आज कुछ लोग स्क्रीनिंग भी हुए हैं इसके रूम के बच्चे. तो एक तो जो यहाँ पे हम थ्रू एसएसएल दे रहे हैं दैट इज वन थिंग, दूसरी चीज जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं दैट इज माहौल. मैं पहले दिन बोलता हूँ कि पैसे एक्चुअली माहौल के, ठीक है, लेकिन उस माहौल में आपको खुद बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. हमने बोल दिया कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ बट इट्स नॉट कि हम हर वक्त आप पे चेक रख पाएंगे. जहां पे रखेंगे जब नहीं बोल रहे हो तो आप सुतोगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हर वक्त थोड़ी ना हम चेक रख सकते हैं, वो बच्चों के अंदर खुद से होता है. तो इनका जो ग्रुप था अच्छा था, एक इनका पीसी से एंट्री से थे सरदार जी, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, ये उसी तुम्हारे रूम में राइट, ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, इनके और भी जो यार दोस्त थे. तो मतलब खुद एक एफर्ट होता है ना, दैट इज द मतलब की पॉइंट. अभी जैसे अभी जो करंटली बैच चल रहा है, कल रात को मैं 11 बजे इधर आया तो देख रहा हूँ कि बाहर बच्चे ग्राउंड में बैठ के जीडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रूम में गया तो दे आर प्रैक्टिसिंग पीपीडीटी, कहीं पे लेक्चर एट चल रहा है रूम में, रात को 11 बज रहे हैं, सुबह इनकी क्लास है, क्लास मिस नहीं हुई किसी भी हालत में, पीटी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ही बच्चा कर रहा है. तो एक माहौल जो बना पाया ना, हमने तो बस एक प्लेटफॉर्म दे दिया भाई यहाँ पे माहौल बना लो, बट बच्चा इज डूइंग वेरी मतलब गुड इन टर्म्स ऑफ हिज एफर्ट एंड ऑल. मुकुल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि इसने भी मतलब शुरू से वो चीजें फॉलो करी एंड कुछ ऐसा मतलब हमने तो स्टार्टिंग से एसएसबी को बहुत तोप नहीं बनाया यार कि मतलब इट्स अ बेसिक थिंग, ये दीज आर दी मतलब रिक्वायर्ड रिक्विजिट्स, आप बोलो दीज आर द रिक्विजिट, यू हैव टू फॉलो दिस. इस टाइप की चीजें नॉर्मली चाहिए होती है, बच्चे आप ऐसे मेहनत करोगे तो हो जाएगा. थोड़ी बहुत असर होता है विकास सर की डांट फटकार का, ठीक है, और अल्टीमेटली बच्चा एकदम सेट हो जाता है. तो जैसे कुछ इन जगह तुम मैसेज बच्चों को देना चाहोगे कुछ? सर मेरा मैसेज ये कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड बिलीव इन योरसेल्फ. तो मैं जब यहाँ पे आया था तो बिलीव मी मैं आई वॉज वेरी होपलेस, मेरे को ये भी नहीं लगता था कि मैं स्क्रीन भी हूँ, पहली बार तो मुझे लगता था तुक्का ही था. बट उसके बाद ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम, पहले दिन आई स्टार्टेड फॉलोइंग, उसके बाद धीरे धीरे सेल्फ बिलीव आया एंड इवेंचुअली आई गॉट रिकमेंडेड एंड इट्स वेरी नाइस फीलिंग. मतलब अभी ये भी 21 दिनों में इतना कुछ बदल गया है जो बहुत से लोगों को काफी टाइम लगता है, बट नो इट्स वेरी इट्स वर्थ इट, इट्स एवरीथिंग वर्थ. बहुत ही बढ़िया, ऐसे भी विश यू ऑल द बेस्ट. आपका भी मेडिकल्स है, मेरिट है, सब कुछ के लिए सीपीएसएस है अभी, ठीक है, वी विश यू ऑल द बेस्ट. आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करो, हम ये चाहते हैं भाई अपने देश का नाम रोशन करो, माता पिता का नाम रोशन करो, एलडब्ल्यूएस पहुंचे,
घर घर तक है ठीक है। चलो भाई, तो यार मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में, एंड आप सबकी तरफ से मैं गुल को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। आप भी मेहनत कीजिए एंड गिव योर 200%, डेफिनेटली आप भी सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।